बड़ा फीचर ये है कि यू कैन क्रिएट योर ओन कम्युनिटी. सो दिस इज योर पर्सनलाइज्ड ऐप. सो दिस इज गोइंग टू बी होस्टेड ऑन योर क्लाउड सर्वर्स, व्हिच मींस यू कैन व्होएवर इज डाउनलोडिंग और व्होएवर द फैंस और फॉलोअर्स हु आर कमिंग ऑन योर ऐप, दे आर योर ओन कम्युनिटी. दैट्स नंबर वन. यू ओन द डेटा, यू ओन योर पीपल. सो देयर इज नो, अभी जो जैसे होता है कि बच्चन साहब के 3 लाख फॉलोअर्स कम हो गए, ज़्यादा हो गए, ये ऐप में नहीं हो सकता. दैट्स नंबर वन. सेकेंड, बिकॉज यू कैन क्रिएट कैटेगरीज ऑफ पीपल हु आर डाउनलोडेड. लाइक आई कैन क्रिएट समबडी एज अ फैन, एज अ फैमिली, एज योर बिजनेस एसोसिएट और एज अ वर्किंग पार्टनर. सो वट एवर कम्युनिकेशन दैट यू सेंड ऑन दिस ऐप, वी कैन टारगेट इट ओनली टू अ पर्टिकुलर कैटेगरी और टू ऑल ऑफ देम. सो विच मीन्स दैट सर्टन communication, if you want to only showcase it to your friends or your inner circle, you can restrict that communication. That's number one. Number two, we have feature called polls, where I can take an opinion from my fans and followers, which means I can include them to understand what they would like to see more on our app. Then I can create an event, which means that if Vijay is traveling somewhere outside Mumbai and if his fans who are there are waiting to see him or meet him, he can create an event and publish it onto his app, which means they are aware that Vijay is going to be in, say, Pune on so-and-so date at so-and-so time, and they can go and meet him, which helps Vijay also that we can take an RSVP onto that app, which means that if there are too many people who are going to come and meet him, he gets a heads up to work out the logistics or any other thing. So that's another analysis. We have a question answer session, which means that people can ask questions. What we don't have is a comment, which means a fan cannot write a comment. Having said that, we have given a feedback option. So in case if somebody wants to give a feedback to, say, Vijay or anybody, they can give a feedback. It will come to the admin, which means it is controlled. So we can review that. If it is too negative, we can ignore it. If it is really positive, we can publish it. If a fan, say, clicks a picture with Vijay, he will have an option to send a request to publish it on his app. So it's all Vijay's decision, what comes on his app, what doesn't come on his app. Sorry.
समोर है ना, समोर आई बस सामने सामने सब लोग आई मैडम एक मिनट ना समो समो रहा सच्चे बा वाले ये वर्ग के एक मिनट थामो जरा एक मिनट मुझे ना समो रहा विजय ना समोर इधर स्ट्रेट है समोर 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 इधर समोर वंदना सर एक आइकड़ समोर सर सर समोर एकदम परफेक्ट परफेक्ट एक मिनट होल्ड 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 एक मिनट सर पहले बात तो बहुत बहुत मुबारक आपके ऐप के लिए पर्सनल ऐप पहले आप मराठी आईटी से जो जिनकी पर्सनल ऐप है तो पहले तो जानना चाहिए ऐप के बारे में थोड़ा बताइए ये ऐप ऐसे कि आप मतलब व्हाट्सएप है तो उसमें 10 लोग या 100 लोग बातें करते हैं फेसबुक हो वहाँ 100 लोग बातें करते हैं तो जो अगर मुझे कुछ कहनी है बात एक अहम बात करनी है तो मैं कह नहीं पाता या वो आगे आगे खिसक जाता है तो ये मेरी ऐप है जो मेरी खुद की ऐप है तो मैं खुद के बारे में या कुछ सोशल मुझे कुछ कमेंट करनी है या कुछ फिल्म के बारे में कमेंट करनी है लोगों को मेरे बारे में कुछ कमेंट करनी है या मैं कुछ कर रहा हूँ फ्यूचर में अच्छी चीज़ें कर रहा हूँ तो वो ऐप के ज़रिए मैं डाल सकता हूँ और उस पर मेरा कंट्रोल रहेगा एडमिन मैं खुद हूँ उसका जो किनशिप हब जो कंपनी है वो तो मुझे लाइनअप करके देगी लेकिन उसको मटेरियल तो मुझे ही देना है तो मतलब लोग मेरे बारे में ज़्यादा जानेंगे लोगों के बारे में मैं बात कर सकता हूँ और मैं कुछ फ्यूचर में अच्छी चीज़ें कर रहा हूँ वो जान सकते हैं अगर कोई क्वीज़ है क्वीज़ आएगा मेरे बारे में ये फिल्म में किया तो विजय भटकर ने क्या किया था वो क्वीज़ मतलब ऑडियंस जितना नज़दीक नहीं था वो नज़दीक आएगा और अब मैं कुछ चीज़ें कर रहा हूँ इन फ्यूचर इन नेक्स्ट ईयर मैं कुछ अच्छी चीज़ें कर रहा हूँ तो मुझे ऐसा लगा कि ये बहुत अच्छा पीरियड है कि ये आपके ऐप जो खुल रहा है मैं तो वो उसका फ़ायदा उठा सकता हूँ जो मैं फ्यूचर में कर रहा हूँ बड़ी चीज़ें कर रहा हूँ अच्छी चीज़ें कर रहा हूँ तो लोगों तक वो पहुँचेगी अगर लोगों तक वो चीज़ें स्ट्रांगली पहुँचेगी नहीं तो बिकेगी कैसे तो मुझे लगा कि मेरा ऐप होना चाहिए मेरा मतलब और भी जो आर्टिस्ट हैं उनका होना चाहिए और 100 एक्टर का होना चाहिए इसके जरिए लोग पहुँचेंगे मराठी इंडस्ट्री और बाहर के आएंगे और वो मतलब ग्रूम हो जाएगी ऐसे मुझे लगता है इसलिए ये ऐप बहुत ज़रूरी है मेरे लिए और मेरे जैसे एक्टर को लिए सर ऐसे इसके पहले भी बहुत सारे ऐसे ऐप आए जो आर्टिस्ट अपने अपने पर्सनल ऐप अपने लॉन्च किए हैं आप में ऐसे खासियत या कुछ अलग जो जिससे अलग करेगी अरे मैं जहाँ जाता हूँ मतलब फ्लाइट में जाओ या रास्ते में जाओ या सिग्नल पे मिलो गाड़ी में लोग वहाँ पूछते हैं अरे आपको वो चीज़ कभी देखने को मिलेगी ये चीज़ कभी देखने को मिलेगी तो मेरे ऐप में देखो ना मैं बोल सकता हूँ आप मेरा ऐप डाउनलोड कीजिए सब चीज़ें आपको देखने को मिलती है जब की शॉट देखने को मिलेंगे या टोटल धमाल जो हमारी आगे नहीं आ रही उसके सब मिलेगा सिम्बा की चीज़ें मिलेगी आपको सब चीज़ें मिलेगी पुरानी नई आने वाली जो जो चीज़ें वो आपको मिलेगी बट विजय भटकर क्या होता है गूगल पे जाओ तो याद नहीं होता विजय भटकर आए तो सब आ जाएंगे ना सब चीज़ें मिलेगी मतलब लोग बहुत नज़दीक आएंगे मेरे ऐसे मुझे लगता है उससे फ़ायदा मुझे होगा जब भी कोई पर्सनल ऐप अपना जब भी लॉन्च करता है अपने पर्सनल फैन से बहुत कनेक्ट होता है पर कहीं ना कहीं कोई ना ट्रोल भी करते हैं बहुत जन सो आप उनके लिए प्रिपेयर है ट्रोल के लिए ट्रोल के लिए भी मैं प्रिपेयर हूँ लेकिन वही फायदा है अगर ट्रोल करते हैं तो आई कैन एडिट अभी जिसमें ट्रोल करते हैं तो आप एडिट नहीं कर पाते अगर मुझे कोई किसी क्वेश्चन नहीं अच्छा लगा तो मैं एडिट कर सकता हूँ तो मतलब वो दिखाई नहीं देगा किसको भी दिखाई नहीं देगा मैं एडमिन हूँ कंट्रोल मेरा रहेगा क्योंकि ज़्यादा पॉलिटिकली या ज़्यादा मुझे बोलने में मुझे मैं इतना बड़ा नहीं हूँ मुझे वो बातें नहीं करनी मैं एक्टर हूँ मैं एक्टर के जरिए जो भी कहना चाहता है इंडस्ट्री के बारे में जो भी कहना है वो मैं कहना चाहूँगा ओके सर आपके ऐप के बाद कोई आपका जो इंडस्ट्री या जिसको देखना चाहिए उसका ऐप मराठी इंडस्ट्री में अरे बहुत है मेरा सिद्धार्थ यादव है मेरा दोस्त है वो मैं चाहूँगा अंकुश चौधरी है स्वप्निल जोशी है हमारे सीनियर है मेरे सीनियर विजय कदम है उनका देखना चाहूँगा मैं सबका देखना चाहूँगा जितने एक्टर मराठी के हैं उनका मैं देखना चाहूँगा
ओके, आप रिसेंटली आप सिम्बा भी शूट कर रहे हैं और रणवीर सिंह से हमें थोड़े दिन पहले बात की थी, उन्होंने कहा था कि मराठी इंडस्ट्री में बहुत जल्द मुझे भी डेब्यू करना है, वो बहुत ही ग्राफ बहुत ही आगे हो चुके हैं, बार रेस हो चुका है, तो क्या कहना चाहेंगे रणवीर सिंह के लिए और उनकी कल आज शादी भी है, विश भी अगर कुछ करना चाहें? नहीं, मैंने तो विश पहले की, जो लास्ट डे था मेरा 31 को लास्ट डे शूट था, उसी वक्त मैं उसको विश किया, भाई मैं बोला तेरा फ्यूचर बहुत ब्राइट है, मैंने उनको बोला 35 साल के करियर में इतना अच्छा एक्टर और इतना अच्छा ह्यूमन बीइंग मैं बहुत सालों के बाद मुझे इंडस्ट्री में मिल रहा है, वो तू है, ऑल द बेस्ट उनको बोला, और शादी के लिए भी मैंने बोला, और बहुत अच्छा आदमी है और उसका ब्राइट फ्यूचर है, बहुत ब्राइट फ्यूचर। ओके सर, लास्टली अपने फैंस के लिए क्या मैसेज देना चाहिए, कुछ कहना चाहिए? बस फैन के लिए यही कहना चाहूँगा कि मेरा ऐप है, प्लीज़ डाउन कर लीजिए विजय पटकर पर्सनल ऐप, विजय पटकर ऐप, वो ऐप डाउनलोड कीजिए और मुझे और जानने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले मैं तो ये कहना चाहूँगी कि मुझे विजय पाटकर एज एन एक्टर बहुत पसंद है और उनको बहुत बधाई हो, उनका आज ऐप लॉन्च हुआ है, पर्सनलाइज्ड ऐप लॉन्च हुआ है, इसका मतलब उनके सारे फैंस उनके सारे सीक्रेट्स उनके ऐप पे देख सकते हैं और किनशिप ने ये ऐप लॉन्च किया है, तो आई थिंक डिजिटल फ्यूचर इसी से ही शुरू होगा और क्योंकि विजय पाटकर इतने मतलब कॉमिक टाइमिंग में इतने मस्त हैं, तो आई एम श्योर कि बहुत सारे आपको गैग्स मीम्स और बहुत सारे ट्रेंडिंग टॉपिक्स मिलेंगे उनके ऐप पे, सो आई एम ऑल द बेस्ट, कंग्रेचुलेशंस। ओके, आप विजय सर के साथ टोटल धमाल में भी काम कर रहे हैं, सो ऐसी एक चीज जो उनकी एक्टिंग के बारे में बहुत अच्छी लगती हो या उनको अलग करती हो सब आगे? मैंने फेशियल एक्सप्रेशंस को बदलते हुए एक चेहरे पे उतने ही नहीं देखे जितने मैंने विजय पाटकर के फेस पे देखा है। हम लोग कहते हैं गोविंदा के फेस में एक्टिंग है, माधुरी दीक्षित के फेस में एक्टिंग है, तो विजय पाटकर भी उसी ग्रुप में शामिल होते हैं, उनकी भी फेस में इतनी एक्टिंग है ना, और एक एक्टर जो फेस से खेल जाए वो कमाल होता है। ओके, विजय सर की जब भी अगर नाम लिया जाए या बात की जाए, मराठी वर्ड जो है मराठी इंडस्ट्री में पहले आती है, हाँ, तो आप भी कभी ट्राई करना चाहेंगे मराठी इंडस्ट्री में? मुझे पता नहीं मैंने ये पहले कहा है कि नहीं, लेकिन मैं तेलुगु, तमिल, मराठी, पंजाबी, सिंधी, भोजपुरी सब एक एक फिल्म करना चाहती हूँ, तब जाके मुझे पैन इंडिया में एक महसूस होगा कि मैंने इंडिया को कवर किया है। ओके, पर्सनल ऐप की जब भी बात आए तो एक में कहीं ना कहीं ट्रोलिंग बहुत होती है, ट्रोलिंग जा लेके जाए, अगर कोई अगर पर्सनल इंटरेक्शन हो या कोई फोटोज डाल दिए तो ट्रोलिंग बहुत होती है, आपके साथ कभी ट्रोलिंग हुई है या उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे ट्रोलिंग के बारे में? अगर लोग सेक्सी और सेक्सी करके अगर बार बार बोलते रहते हैं, अगर उसको ट्रोलिंग कहते हैं, तो मेरे साथ ऐसा बहुत होता है, पता नहीं लोगों को क्या लगता है कि मैं क्या हूँ क्या नहीं, तो मैंने कोई ऐसी बुरी ट्रोलिंग तो अभी तक नहीं महसूस की, लेकिन इस ऐप में एक बहुत अच्छी बात है, वासु सर जो इस ऐप के जो सर हैं जिन्होंने बनाया है, उन्होंने वो फंक्शन ही ऑफ कर दिया है तो आप कमेंट कर ही नहीं सकते, और अगर आप कमेंट करते भी हैं तो फीडबैक द्वारा करते हैं, और अगर हमें वो कमेंट सही लगता है तो उसके लिए फिर हम आपको उस कमेंट को पब्लिक डिस्प्ले में लेके आना मतलब पॉसिबल है। ठीक है, थोड़ा बायस है ये ट्रोलिंग, आई थिंक इज अ गुड थिंग ऑल्सो इज अ बैड थिंग ऑल्सो, देखो जो भी अपना ओपिनियन देना चाहे उसको पूरा हक है अपना ओपिनियन देने का, तो मैं इस बात को बिल्कुल मतलब सर आंखों पे, आपको मैं अच्छी लगती हूँ तो बहुत अच्छी बात है, मैं अच्छी नहीं लगती तभी बहुत अच्छी बात है। ओके, टोटल धमाल बहुत जल्द आने वाली थी बट थोड़ा पोस्टपोन हो चुकी है, बट उनके अलावा भी हमने सुना है कि आपने कोई एक मूवी साइन की, अगर उसके बारे में आप कुछ बता सके? आप लोगों को बहुत खबर रहती है ऑलवेज, लेकिन अभी तो मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन हाँ जो ये माहौल है आप समझ लीजिए कि इन्हीं सब लोगों के साथ कुछ ना कुछ चल रहा है। ओके, योनर अगर बता सके, रोम कॉम होगी, थ्रिलर होगी, अगर उसके बाद थोड़ा बहुत कुछ शादियों पे। ओके, लास्टली आपके फैन को क्या कहना चाहिए, एनी मैसेज लाइक टू गिव? कि अब 7 दिसंबर को केदारनाथ आ रही है तो प्लीज़ देखने जाइएगा, सारा का लॉन्च है, तो एज अ न्यू कमर मैं उसको ऑल द बेस्ट विश करना चाहूँगी, लेकिन 22 फरवरी को आप टोटल धमाल ज़रूर देखिएगा और वो मत भूलिएगा। Thank you. Thank you.